पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। बारिश कई इलाकों में कहर ढा रही है। इससे बेच उमरिया में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। वहीं जल स्तर के बढ़ने से चोहिला डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश में कहर बरपा रखा है। वहीं तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उमरिया में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं जोहिला डैम का जल स्तर बढ़ने से डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं डैम देखने के लिए गए लोगों ने डैम से छोड़े गए पानी के नजारे का लुत्फ उठाया। मेरा नाम आफिया खान है और ये बिजिंगपुर पालिका संजय गांधी नाम का डैम है, जो कि साल में एक बार 6 गेट खुलते हैं। तो ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है और अपने एक गुजारिश है कि एक बार देखने आए इधर पे, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पाली में मंखार डैम है, जो यहाँ पे साल में एक बार डैम खुलता है, 6 के 6 गेट खुले हुए हैं। एक अद्भुत नज़ारा, अलौकिक, मतलब कहना जाए कि वो मतलब बहुत ही सुंदर प्यारा। 6 के 6 गेट होंगे। हमको बहुत, हम सुबह से आए हैं और रात से गेट खुले हुए हैं, 6 के 6, बहुत अद्भुत नज़ारा है। अनूपपुर और शहडोल के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते डैम के जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उमरिया।